दोस्तों अगर आप भी एक क्रिकेट फैन हैं तो 3 लाख लोगों की तरह आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार मिल सके। दोस्तों हमने वीडियो का टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है और सही देखा भी है, वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप 2019 अब बेहद पास है और यहाँ से ओडीआई के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे में कुछ दिग्गज ऐसे हैं जिन्हें अब संन्यास लेना होगा और जल्द ही ये संन्यास ले लेंगे। दोस्तों वो इसलिए क्योंकि ये सभी प्लेयर्स पिछले 2-3 सालों से लगातार टीम इंडिया के ओडीआई स्क्वाड से बाहर चल रहे हैं और सिलेक्टर्स ने अब इन्हें टीम में शामिल ना करने का सोच लिया है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वो 4 कौन से प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप 2019 के पहले संन्यास ले लेंगे। तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है इरफान पठान का। लगातार अपनी खराब फिटनेस की वजह से यो-यो टेस्ट में ये फेल हो जाते हैं और जिसके चलते ये टीम का हिस्सा नहीं हो पाते हैं। और सच्चाई तो ये है कि इरफान पठान पूरी तरह से रिप्लेस हो चुके हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से, और आईपीएल 2018 में भी इन पर किसी भी टीम ने अपनी बोली नहीं लगाई। तो वहीं दोस्तों नंबर 3 पर नाम आता है, वो है हरभजन सिंह का। चेन्नई सुपर किंग्स ने इन पर बोली लगाई, हालांकि शुरुआती मैचेस इन्हें खिलाए गए लेकिन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिसके चलते ये भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ऊपर नीचे होते रहे, कभी प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे तो कभी बेंच पर ही बैठना पड़ा। तो वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो पिछले 2 सालों से इन्होंने कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, और अब टीम इंडिया को देखा जाए तो पहले तो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने हरभजन सिंह को ऑफ स्पिनर के रूप में रिप्लेस कर दिया था, तो वहीं अब युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की फिरकी ने पूरी तरह से हरभजन सिंह को रिप्लेस कर दिया है। तो वहीं दोस्तों नंबर 2 की बात की जाए तो काफ़ी चौंकाने वाला नाम आता है, वो है गौतम गंभीर का। आईपीएल 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इन्होंने छोड़ी और जिसके बाद दिल्ली डेयरडेविल्स यानी मनचाही टीम में ये पहुंचे, लेकिन यहाँ पर भी पहले मैच में जो इन्होंने पारी खेली उसके बाद कोई भी पारी अच्छी नहीं खेल पाए, इन्होंने दिल्ली की कप्तानी करना भी छोड़ दिया और आईपीएल 2018 में पूरे मैचेस भी इन्हें नहीं खिलाए गए। यानी गौतम गंभीर भी अब वर्ल्ड कप 2019 का हिस्सा नहीं हो पाएंगे और ये भी अब संन्यास लेने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों नंबर 1 पर जो नाम मैं आपको बताने वाला हूं वो आपने जरूर से गैस कर लिया होगा। दोस्तों नाम है युवराज सिंह का। विस्फोटक ऑलराउंडर युवराज सिंह पिछले 2-2.5 सालों से स्ट्रगलिंग फॉर्म में है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर ये स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब लगातार ये भी यो-यो टेस्ट में फेल हो रहे हैं। इंडिया की बात की जाए तो जहां पर बीसीसीआई टीम ढूंढ रही है उसमें नंबर 4 पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे कि MS धोनी, दिनेश कार्तिक, अंबाती रायडू, केदार जाधव, ये खास प्लेयर्स युवराज सिंह को रिप्लेस कर चुके हैं। तो वहीं मनीष पांडे का भी जब फॉर्म अच्छा होगा तो वो भी इन्हें आसानी से रिप्लेस करने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इनमें से कौन से प्लेयर को और क्रिकेट खेलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें ज़रूर दें। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़ लगातार आपको आरएस एंटरटेनमेंट की ओर से मिल रही हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखें। धन्यवाद।